वो आदमी विचारों से नहीं चल रहा कि वो विचलित विचारों का आदमी है और बीजेपी आदमी को यूज़ करती है और फिर फेंक देती है। कांग्रेस ही अल्टरनेटिव है, कांग्रेस ही एक विकल्प बन के उभरेगी। हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है पूर्व मंत्री बत्रा जी, जो हिसार में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। तो आज हम इनसे हरियाणा की राजनीति पर चर्चा करेंगे। बत्रा साहब, ये बताएं कि जो आजकल प्रदेश में एक डीएसपी की भी हत्या कर दी जाती है, खनन माफिया वगैरह, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। खनन माफिया पूरी तरह से एक, जैसे कहते हैं ना कि उनको कोई खौफ ही नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है। एक डीएसपी को एक हैवी व्हीकल के नीचे कुचल के मार दिया जाए, और आप रोहतक में देखो हर दूसरे दिन कोई ना कोई क्राइम होता है। आज एक लड़के ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया डेली। मैं भी होम मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे पास भी कानून का महकमा रहा है, लेकिन इस तरह से कभी नहीं देखा कि बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, चौपट हो चुकी हो, चरमरा गई हो। ये दिस इज़ ए फेलोर ऑफ द गवर्नमेंट। आज चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे किसी भी चीज़ को आप उठा के देख लो, आज ये सरकार पूरी तरह से विफल है। इन्होंने तो दही और लस्सी और दालों के ऊपर भी GST लगा दी, ये कोई सरकार थोड़ी है। सर, एक जो कुलदीप बिसोई है, अभी पीछे जेपी नड्डा और अमित शाह से मिले थे, आज मुख्यमंत्री से मनोहर लाल से मुलाकात की है उन्होंने फोटो भी जारी, तो क्या कहेंगे इस लोग को ले? देखो, कुलदीप बिश्नोई अल्टीमेटली बीजेपी में जाएगा और उसने मन बना चुका है। वो मैं भी हजका में था, उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन था जो कुलदीप बिश्नोई ने हजका बनाई थी। वो आदमी विचारों से नहीं चल रहा। उस वक्त चौधरी भजनलाल को पता ही नहीं था कि हरियाणा जनहित कांग्रेस बना रहा है, ये स्टेज का संचालन ही मैं कर रहा था। मेरे कहने का भाव ये है कि वो विचलित विचारों का आदमी है और बीजेपी आदमी को यूज़ करती है और फिर फेंक देती है, और कांग्रेस में उसकी अच्छी पोजीशन रहती, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर था, वर्किंग कमेटी का स्थायी सदस्य था। तो हमारी तो समझ से बाहर है कि क्या सोच के वो बीजेपी में गया है, उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, मैं ये मानता हूँ। सर, हरियाणा में अभी भी अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अलग अलग कुछ गुटों में दिखती है कांग्रेस, अलग अलग जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं तो अलग अलग दिखते हैं सभी नेता, क्या कहेंगे? कहाँ है अलग अलग, हम रोहतक से आए, मैं पूर्व मंत्री हूँ, कृष्ण मूर्ति हुड्डा पूर्व मंत्री है, अनिल सैनी जी बैठे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से हैं, चार दिन पहले हमारे साथ थे, हम इकट्ठे हैं, वक्त आने दो। कांग्रेस डिवाइड नहीं रहेगी, कांग्रेस ही अल्टरनेटिव है, कांग्रेस ही एक विकल्प बन के उभरेगी। और शैलजा बहन जी जो हैं वो वर्किंग कमेटी की मेंबर बनी हैं, पावरफुल लीडर हैं, डायनेमिक लीडर हैं, तो हमारी कोशिश भी ये रहेगी कि कांग्रेस एक होकर लड़े ताकि आने वाले टाइम में बीजेपी का विकल्प बन के सत्ता में आए। सर, अभी अजय माकन ने भी एक बयान दिया था कि भी जो वोटिंग हुई है उसमें किरण चौधरी और उसमें सबके दायरे में जो हुआ, अजय माकन को ये बयान नहीं देना चाहिए था, उसको पब्लिक स्टेटमेंट ये नहीं देनी चाहिए थी। मैं ये मानता हूँ कि एक वादी भी वो और जज भी वो इंतजार करता, हाई कमांड के पास सबकी रिपोर्ट चली गई थी तो उसने हाई कमांड के डिसीजन से पहले अपने आप को सुपर पार्टी का लीडर बनाकर जो बात सामने रखी और प्रभारी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, किरण चौधरी क्या किसी के बहकावे में आके वोट देगी? ये सरासर गलत है। किरण चौधरी पैदाइशी कांग्रेस में है, जब चौधरी बंसीलाल जी ने कांग्रेस छोड़ी थी उसने तब भी नहीं छोड़ी, जब चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी वो तब भी कांग्रेस की सदस्य रही, वो निष्ठावान कांग्रेसी है। और अजय माकन ने ये बात पब्लिक करके ये ठीक नहीं किया। एक सर, ये अंतिम सवाल है, जो निकाय चुनाव तो आपकी पार्टी ने उस पर सिंबल पे नहीं लड़े थे और आगे जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या लगता है उस सिंबल पे लड़ने चाहिए? देखिए, आगे पंचायत चुनाव,
आगे जो कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं ये सिंबल पे लड़े जाएंगे, एक नंबर दो, ये म्यूनसिपल कमेटी, मेरे पिताजी 12 साल चेयरमैन रहे हैं रोहतक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, ये एक जाति चुनाव होते हैं, किसी का हाउस टैक्स भरना है, किसी का कुछ करना है, किसी का, किसी ने सड़क बनवानी है, किसी ने गली बनवानी है, किसी के सीवर की प्रॉब्लम है, ये एक पर्सनल, और अगर पर्सनल ना भी हो 26% वोट मिले हैं, किस बात का शोर हल्ला कर रहे हैं, वेयर दे स्टैंड, अर्बन सेक्टर की पार्टी है ये, और 26% वोट, इसका मतलब ये हुआ कि 74% वोट तो खिलाफ मिले हैं उनको, तो इसलिए बीजेपी का कोई फ्यूचर नहीं है। आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी और आप देखना पूरी तरह से जीत होगी। ये थे पूर्व मंत्री बत्रा जी, इन्होंने यही कहा आने वाले जो चुनाव होंगे, पंचायती चुनाव होंगे, सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस जो बीजेपी सरकार में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, इससे आम आदमी परेशान है, और आने वाले समय में जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।